seizures. Let us see that the AIDS is a disease which is globally very harming right now. AIDS is also known as the acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. It means that ki acquired immunodeficiency syndrome ka matlab ki body kisi cheez ke liye kya ho jati hai, jab immune hai to uska infection nahi hota. Acquired मतलब कि किसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाए, लॉस में चली जाए. ठीक, तो ये वायरस क्या करता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को लॉस में पहुंचा देता है, खत्म कर देता है. ये किसकी वजह से होता है? द एड्स इज कॉज्ड बाय, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ठीक है, करता क्या है? इट इंटरफेयर विद द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली द इम्यून सिस्टम. ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, और लास्ट में इतना स्लो डाउन कर देता है कि जो आदमी होता है वो किसी भी साधारण बीमारी से क्या रहता है, डिजीज हो जाता है, उसको बीमारी उसको लग जाती है. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द बेसिक रीजन हाउ इट स्प्रेड. ये कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जो एड्स है या HIV जो है ये फैलता है. दे आर बेसिकली थ्री रीजन्स. ये तीन रीजन है जिनके भी यहां पे हम कह सकते हैं कि एड्स फैलता है या फैलता है. ठीक है, पहला है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट. किसी ऐसे ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि सीरिज, यूज्ड सीरिज एंड अनस्क्रीन्ड ब्लड. यूज्ड सीरिज मतलब किसी आदमी ने किसी काम के लिए इंजेक्शन यूज किए हैं. ठीक है, सिंपली इंजेक्शन यूज किया, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो सीरिंज अगर हम किसी दूसरे को लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि वो ब्लड वो इन्फेक्टेड हो जाएगा. दूसरा क्या है, अनस्क्रीन ब्लड, जैसे कि ब्लड की बॉटल को हम क्या करें, जो बैग्स है उनको हम प्रॉपरली डिस्पोज ना करें, या किसी पेशेंट को कोई एड्स या HIV डिजीज है, HIV है तो वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसका ब्लड क्या है, स्मियर कहीं पे गिर जाए और वो क्या हो जाए, किसी के कट के पार्ट में क्या हो जाए, यूज को लग जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, वो दैट इज नोन एज अनस्क्रीन ब्लड. ठीक, नेक्स्ट है बाय अनप्रोटेक्टेड और अनसेफ सेक्स. ठीक है, कि अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये क्या है, ये डिजीज फैल सकती है. बेसिकली कैसे फैल सकती है, फॉर एग्जाम्पल भी है कि अगर कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, वेजाइनल फ्लूइड है, या मेल्स के थ्रू फ्रॉम द सीमेंस डिस्चार्ज, या किसी भी तरह का डिस्चार्ज है जो बॉडी डिस्चार्ज फ्लूइड है, अगर वो क्या है कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे भी क्या है बॉडी में, तो वो HIV उससे इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एंड इज अ वेरी मेजर, दैट इज फ्रॉम मदर टू बेबी, बच्चे से माँ को हो सकता है. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस, द ब्लड इज एक्चुअली नॉट ट्रांसफर्ड टू द बेबी, ब्लड इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द बेबी, बट अदर बॉडी फ्लूइड आर ट्रांसफर्ड टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो दूसरे बॉडी फ्लूइड है वो बेबीज में ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड द HIV वायरस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वायरस. ठीक है, सो इट कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है. ओके, नाउ लेट अस सी इसमें व्हाट आर द सिम्टम्स, वो कैसा दिखता है अगर किसी को HIV से इन्फेक्टेड हो जाए, कोई पेशेंट हो जाए, तो उसको उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, उसमें क्या क्या दिखाई देगा. पहला जैसे कि हमने बात की थी अभी कि इट इंटरफेयर विद इम्यून सिस्टम, कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म को डिक्रीज कर देता है, रोक देता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क है कॉमन डिजीज होने की, जो नॉर्मल डिजीज है जैसे फ्लू है, इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यही इतने बड़े फैक्टर हो जाते हैं कि वो पेशेंट को किल कर सकते हैं. ठीक है, तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉमन डिजीज. नाउ क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स मतलब कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, जैसे कि छींकना, खांसना, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज, लाइक दैट. सेकेंड है
फीवर, फीवर का आना है, रिकरेंट फीवर मतलब बार बार फीवर का आना, उतर जाना फिर चढ़ जाना, ठीक है। सी अनपैथोलॉजिकल नोन रीजन। नेक्स्ट है सॉर थॉट, गले का हमेशा सूखना, सूखा रहना, गले में हमेशा खराश बने रहना, नोन इसको कहते हैं सॉर थॉट। फटीग, फटीग मतलब कि हमेशा जैसे महसूस होना है कि आप क्या है, थके हुए, थकान महसूस होना। वेट लॉस, इन्फेक्शन के बाद बॉडी में हमेशा क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है वैसे वैसे आदमी का जो वेट है वो डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते हैं सडन वेट लॉस भी तेजी से बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है नाइट स्वेट। नाइट स्वेट एक्चुअली इज अ कॉमन सिम्टम फॉर मलेरिया, बट यहां पर नाइट स्वेट भी होता है, रात में जैसे सोते समय पसीना होना, एंड रिकरेंट इन्फेक्शन कि बार बार एक ही चीज का इन्फेक्शन होते जाना है, इलाज करने के बावजूद जैसे कि हम नॉर्मल एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं तो डिजीज हो जाने के बाद हमको दो महीने तक या एक महीने तक फिर सेम डिजीज के चांसेस नहीं होते, क्योंकि बॉडी इम्यून भी हो जाती है और दूसरा क्या रहता है कि ड्रग का इफेक्ट भी मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या है इन्फेक्शन हो जाने के बाद पता चलता है कि फिर दो दिन बाद, चार दिन बाद, छह दिन बाद, ठीक है, हफ्ते बाद फिर दोबारा सेम बीमारी का इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों ऐसा इसलिए जाता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट आर द बेसिक टूल्स टू आइडेंटिफाई द पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद एचआईवी। इसको हम पता लगाने के लिए क्या है, क्या मेथड है, केवल हम बेसिकली दो मेथड को हम फॉलो करते हैं, इन्हीं दो मेथड से ही हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट क्या है एचआईवी से इन्फेक्टेड है। जैसे पहला है कि द एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट में हम क्या करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को हम लेते हैं, ठीक है, उस टेस्ट को हम कहते हैं एलिजा टेस्ट, एलिजा ELISA, एलिजा टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। सेकेंड मेथड इज द PCR टेक्निक, PCR टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो कॉमन टेस्ट है जिसके बिहार पे हम पता लगा सकते हैं कि द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्पिटेंट और इम्यूनो नॉट कॉम्पिटेंट, कि उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी डाउन हो रहा है या नहीं डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर इम्यूनिटी डाउन हो रही है तो उसके लिए द बेस्ट टेस्ट इज एलिजा टेस्ट एंड PCR टेक्निक। नाउ व्हाट आर द बेसिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर ऐसा डिजीज है तो उसको बेसिक ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसा होना चाहिए। सो फॉर हियर देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, कि अगर किसी पेशेंट को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है या HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, कोई ऐसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स, सो मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अभी HIV का जो है कोई भी इलाज संपूर्ण नहीं पाए हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि वी आर गोइंग फॉर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग थेरेपी, कि बिकॉज द HIV इज अ रिट्रोवायरस, ये एक रिट्रोवायरस है तो उसके लिए हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग का हम केवल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है उनके प्रोडक्शन रेट को केवल क्या करता है, डाउन कर देता है। दूसरा क्या है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किसका करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम HIV का नहीं करते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं कि जो दूसरी डिजीज हुई है उन डिजीज को कैसे हम कम करें, जैसे कि हमने बात यहाँ पे की फ्लू हो जाना, फीवर हो जाना या दूसरे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन या एंटीफंगल इन्फेक्शन हो जाना, तो उनका ट्रीटमेंट हम सिंपली करते हैं, दैट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड व्हाट आर द ओवरऑल बात करें ट्रीटमेंट की, तो देयर इज नथिंग बट इज द बेस्ट इज दैट द प्रिकॉशन इज द प्रिवेंशन इज अ बेटर ऑप्शन, कि हमेशा क्या करें कि वी यूज द व्हाट, कि डू नॉट यूज द यूज्ड सिरिंज, हम किसी भी यूज्ड सिरिंज का यूज ना करें, जहां कहीं भी ब्लड प्रोडक्ट हो उसको हम हमेशा डिस्कार्ड कर दें, उसको हम खत्म कर दें, ठीक है, उसके टच में डायरेक्ट ना आए, ऐसे प्रोडक्ट को हमेशा हम ग्लव्स के साथ यूज करें, ठीक है। डू अवॉइड अनप्लीजेंट या सॉरी अनप्रोटेक्टेड एंड अनसेफ सेक्स, ठीक है। एंड व्हेन व्हाट द अदर इज मदर टू द बेबी, कि हमेशा इसको हम जांच करें कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो देन वी गो फॉर द डॉक्टर एंड वी मस्ट गो फॉर द टेस्ट फॉर एलिजा और PCR, ठीक है।
Okay, so these are what the brief about the AIDS. Now come to the basic, the important part, that is the pathophysiology part. What are the pathophysiology? Pathophysiology means the pathogen, the disease, and physiology means how can it proceed. Pathophysiology, ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है? Body के अंदर कैसे ये process में आती है, progress करती है? Knowledge of pathology, pathophysiology या pathogenesis. What happens? क्या होता है सबसे पहले? कि सबसे पहले viral का infection होता है किसी भी mode के द्वारा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा etiological mode, किसी भी mode के द्वारा क्या होगा? Viral का infection होगा और ये virus body के अंदर तेजी से क्या करेगा? Replication produce करेगा. Viral replication की वजह से क्या हो जाएगा? कि हमारे शरीर में ढेर सारे virus का बनना चालू हो जाएगा. ठीक है, तो there is an abundance in the blood. कि हमें अपने ब्लड में ढेर सारे वायरस दिखाई देंगे. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ढेर सारे वायरस बनने की कंडीशन को कहते हैं एक्यूट वायरेमिया. वायरेमिया इज अ कंडीशन टू व्हाट? कि व्हेन द नंबर ऑफ वायरस इज इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज वायरेमिया. तो एक्यूट वायरेमिया की कंडीशन में क्या होता है कि मार्क डिक्रीज इन CD4 टी सेल्स. CD4 plus T cell का की जो कंसंट्रेशन है वो तेजी से क्या होने लगता है? वो घटने लगता है, ये बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये क्या है बॉडी के अंदर जो सेकंड सेल है इस तरह की, दैट इज CD8 plus T cells. ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं. CD4 plus T cell के कम होने की वजह से CD8 plus T cells बढ़ जाए, एक्टिवेट हो जाते हैं. और इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये करते क्या है, ये एचआईवी इंफेक्शन इंफेक्टेड सेल को, ना कि एचआईवी को वायरस को किल नहीं करते, बस बल्कि ये एक एपोप्टोसिस की प्रोसेस में चले जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो क्या है कि ये एचआईवी इंफेक्टेड सेल है उनको नष्ट कर देते हैं और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. ठीक है, क्या करेंगे? एचआईवी इंफेक्टेड सेल को कम कर देना, उनको नष्ट कर देना और क्या करना कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाना. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये CD8 plus T cells बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो क्या हो जाता है? घट जाता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि CD8 plus सेल के बढ़ने से डिजीज का बढ़ना कम हो जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि पेशेंट क्या होता है, क्योर्ड हो गया है. तो एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट इंफेक्शन की कंडीशन में क्या हो जाएगा? सबसे पहले वायरस बढ़ेगा, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? CD4 plus सेल का कंसंट्रेशन को डाउन कर देगा. ठीक है, जो कि किस पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके ल्यूकोसाइट्स पे. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स पे पाया जाता है. तो इनका तेजी से प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या है, CD8 plus सेल्स एक्टिवेट हो जाती है. ठीक है, तो CD8 plus सेल के रिस्पॉन्स की वजह से जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो डाउन हो जाता है. क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है कि जो डिजीज सेल है वो खत्म कर दी जाती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है. तो इससे क्या है कि हमको लगता है कि अब ये डिजीज जो हुई थी ये सब खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता. कि यहाँ क्या होता है कि सब कुछ तो खत्म हो जाता है, वो सेल खत्म हो जाती है, लेकिन जो HIV वायरस है ये अभी भी क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में ट्रांसफर रहता है, जो ब्लड में नॉर्मल टहलता रहता है. ठीक है, ये किसी सेल के अंदर नहीं है. देन व्हाट हैपेंस, HIV वायरस जिनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, दैट कॉजेस एड्स. ये फिर क्या करता है, अगेन बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, और दोबारा अटैक करने के बाद फिर क्या करता है, जो CD4 plus सेल की, टी सेल की, उनको तेजी से उनको क्या करता है, डिप्लीट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उनके कंसंट्रेशन को, उनके नंबर को कम कर देता है. ठीक है, तो वही जो चीज पहले उसने की थी वही चीज वो दोबारा बार बार करता है. फिर इसकी वजह से क्या होता है, अगेन जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है. और उस कमजोरी की वजह से क्या हो जाता है, दिमाग डिक्रीज इन टी सेल. तो ओवरऑल टी सेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सडनली बॉडी में डाउन हो जाता है. एंड टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून प्रोडक्ट, व्हाट बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम को बनाता है. तो टी सेल की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं. और क्या हो जाता है, जो दूसरी डिजीज या कैंसर है जो कि क्या है, ये भी प्रोसीड कर जाता है. तो ये इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी है. एक बार फिर से देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं. पैथोफिजियोलॉजी है, सबसे पहले
वायरस का इन्फेक्शन होगा, वायरस के इन्फेक्शन के बाद वो तेजी से क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसको वायरस का रिप्रोडक्शन बढ़ाने के प्रोसेस को हम कहते हैं वायरल रिप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ वायरस जो एच आई वी के हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहां बढ़ जाते हैं, ब्लड सेल्स में। तो ब्लड सेल्स में बढ़ने के बाद दे विल अटैक ऑन व्हाट योर लिकोसाइट्स, ये क्या करेंगे, लिकोसाइट्स पे अटैक कर देंगे। तो लिकोसाइट पे अटैक करते हुए जो सीडी फोर प्लस टी सेल है उनको क्या कर देंगे, उनमें कमी कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट वायरेमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, आ जाएगी, और वो क्या करेंगे, इसकी वजह से कम होने की वजह से सीडी एट प्लस सेल का टी सेल का जो एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एक्टिवेशन की वजह से सीडी एट प्लस सेल ये क्या करती है, ये तेजी से क्या करेंगी, जो एच आई वी इन्फेक्टेड सेल है ना कि एच आई वी, उनको क्या करेंगी, डाउन कर देंगी, उनको नष्ट कर देंगी नेक्रोसिस के द्वारा, और उसके बाद क्या करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से हमको क्या महसूस होता है, इसके रिस्पॉन्स की वजह से हमको महसूस ये होता है कि जो डिजीज थी वो कंडीशन क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। तो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो लगभग लगभग कम हो जाता है, और हमको लगता है कि प्रोग्नोसिस, हमको प्रोग्नोसिस मीन्स है कि हमको ये महसूस होता है कि अब जांच पे पता चलता है कि हम नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, दैट इज द प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, इस कंडीशन में अभी भी वायरस जो है ये शरीर से बाहर नहीं गया है, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है अभी ये ब्लड में है, ना कि किसी ब्लड सेल या किसी दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। फिर थोड़ी देर, फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, अगेन दिस एच आई वी वायरस अटैक्स और कॉजेस द व्हाट, अगेन एड्स। कैसे करता है, अगेन द सेम प्रोसीजर, ये सीडी फोर टी सेल पे फिर अटैक करता है और उनके कंसेंट्रेशन को डाउन कर देता है, उनको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, दूसरे डिजीज को न्योता दे देता है, दूसरे डिजीज को इन्फेक्शन को फिर शरीर के अंदर बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन और इस कंडीशन की वजह से, डिप्लीशन की वजह से जो टी सेल की कंसेंट्रेशन है इसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, इतनी कमी आ जाती है कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसको इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसको बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, और जो बॉडी में जो कैंसर सेल है इनका भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स, दिस इज पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। तो दिस इज द लेक्चर ऑफ एड्स। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अंडरस्टैंड क्लास? यस सर। थैंक यू सर। कितने घंटे की क्लास होगी भाई? आज थर्ड स्टेज पे आ जाएगा कोरोना, थर्ड जो कॉमन इन्फेक्टेड है उनमें।